हेलो दोस्त, चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले सवाल आएगा कि ये टॉपिक कहाँ से आया। तो देखिए, हर समय एक टॉपिक हमने बात किया है जिसमें डिटेल से एक टॉपिक के बात करेंगे। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया से रिलेटेड कम से कम 10 प्रश्न को यहाँ लेंगे जो आने वाले एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पे करंट अफेयर 246 का प्रश्न है, तो बोलिएगा बाकी सारे प्रश्न कहाँ है। तो वो हम दिखा ही देंगे अपने चैनल पे कि हम अपने कम्युनिटी माध्यम से पूछ रहे हैं, और साथ में हमने फैसला लिया है कि एक टॉपिक को हाईलाइट करके लेंगे, वो भी आपको प्लेलिस्ट में दिखा देंगे, सारा वहाँ मिल जाएगा। तो देखिए, कल का अपॉइंटमेंट है करंट अफेयर के टर्म में, कहें सहे 9 जून आज है इसके लिए कह सकते हैं। तो अनूप चंद्रा पांडे जी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो अभी दूसरे चुनाव आयुक्त के रूप में काम करेंगे। तो दो चुनाव आयुक्त हमेशा होते हैं, तो एक और है, दूसरा ये है, इनकी नियुक्ति हो गई है। तो आप देखे होंगे कि हर बार पूछा जाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सुनील चंद्रा जी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो इनका भी एक ध्यान रखिएगा। तो ये भी है, तो एक एक करके प्रश्न चलेंगे। तो दो प्रश्न यहाँ हो गया, चुनाव आयुक्त एक कौन अभी नियुक्त हुए हैं, अनूप चंद्रा और सुशील चंद्रा जी मुख्य चुनाव आयुक्त, जो इसी साल मार्च के आसपास 2021 में ही नियुक्त हुए थे। और यहाँ पे तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, तो इनसे पहले कौन थे चुनाव आयुक्त जो आपके मार्च 21 से पहले, तो सुनील अरोड़ा जी थे, और फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। तो चार प्रश्न तो यहाँ से लगभग हो गए, बाकी 6 प्रश्न को जल्दी जल्दी रिकैप में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार, जो लोगों को नहीं पता है कि कहाँ चैनल पे है, तो वो मैं दिखा दूँ। यहाँ पे हम प्लेलिस्ट की बात करेंगे, तो प्लेलिस्ट में हमारा सारा वीडियो पड़ा हुआ है, इसमें आप जाएंगे तो आपको करेंट अफेयर का हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके करेंट अफेयर में 63 वीडियो है, यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ मैं, ये हमारा करेंट लिस्ट का प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं करेंट अफेयर का। हालांकि हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो है, तो प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया जाता है जिससे लोगों को आसानी हो अपने अनुसार प्लेलिस्ट चुनने का। उसके बाद हमने जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपको कम्युनिटी टाइप के माध्यम से रेलवे लाइव चैनल पे हम पूछ रहे हैं। तो इस कम्युनिटी चैनल में आप अगर जाएंगे तो देखिए, आज हमने 2 प्रश्न सुबह सुबह डाले थे आपका, और अभी प्रश्न हमारा ये 247 होता, मैंने 246 लिखा हूँ, प्रश्न संख्या 247 होता। हालांकि वीडियो मैं बना रहा हूँ इससे 246 में कंसीडर कर रहा हूँ। तो 2 प्रश्न हमने आज पूछे थे आपसे। पहला प्रश्न आपसे पूछे थे कि दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी क्या है, हु हैज बिकम ए सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल कीपर इन फुटबॉल। तो आप समझते ही होंगे प्रश्न पूछा गया है तो भारत से संबंधित होगा, तो इसीलिए पूछा गया था कि ये सुनील छेत्री ने अभी 74 गोल कर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में बहुत बड़ी उपलब्धि किए हैं, तो भारत की तरफ से ये हैं। अगर लियोन मेसी की बात करेंगे तो इन्होंने 72 गोल किया है। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करेंगे तो इनका शायद गोलों की संख्या 100 प्लस है, और कह सकते हैं 103 हमने सुना है, इससे ज़्यादा या कम हो सकता है थोड़ा बहुत, यानी 100 प्लस सबसे ज़्यादा गोल करने वाला रोनाल्डो। और दूसरे नंबर पर आप कहेंगे तो हो सकता है मैकाउट के इनका 73 या कुछ ऐसे समथिंग में हो, यानी कुल मिलाकर सुनील छेत्री अभी दूसरे नंबर पे आ गए हैं, कितना 100 के बाद, यानी 73-72 जो भी होगा इनका, उसके बाद मतलब दूसरे नंबर पर सुनील छेत्री, पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी आप देख सकते हैं, या चौथे नंबर पे हो सकते हैं या तीसरे, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो ये डिटेल प्रश्न रहा, तो राइट जवाब देने वाले 37% है यहाँ पे, बाकी लोगों ने लियोन मेसी पे गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए, हर ये 76वें हर सत्र में हर बार अध्यक्ष चेंज होता है जनरल असेंबली के लिए, और एक कार्यकाल 2020 और 21 के लिए होगा, यानी एक ईयर के लिए चुना जा रहा है ये। इस बार बारी किसकी थी, एशिया पैसिफिक की, यानी एशिया हमारा का था, जिसमें 2 लोगों ने उम्मीदवार खड़े किए थे, एक आपका मालदीव और दूसरा अफगानिस्तान। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी इलेक्टेड के रूप में अगर देखेंगे तो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद हुए हैं, जो वहाँ के मिनिस्टर भी है, और दूसरा जमाल रसोल किए थे। तो 195 बैलेट यानी वोट पड़े थे, उसमें से 143 किनके, अब्दुल्ला शाहिद को, और बाकी 48 या कुछ समथिंग जो बचेगा वो आपका जमलाई रसोल के लिए। इसलिए अब्दुल्ला मालदीव के इलेक्टेड हुए, और ये
मालदीव के, यानी मालदीव के टर्म में कहें तो ये प्रथम है, इनसे पहले कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था। 80% लोगों का सही जवाब। तो दो प्रश्न हो गया, अब इलेक्शन कमीशन वाले की बात करते हैं बिना टाइम बिना वेस्ट किए हुए बाकी टॉपिकों का। तो देखिए, एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हु इज फर्स्ट वोमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बार बार पूछा जाता है। तो ये नियुक्त हुए थे बीएस रामादेवी, शायद ये कर्नाटका से है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये नवंबर 1990 को अपॉइंटमेंट हुए थे। और अगर इलेक्शन कमीशन की इंडिया की बात करेंगे तो 9th है। लेकिन अब सवाल उठेगा कि भारत की इलेक्शन कमीशन प्रेजेंट है, उनकी कितनी टर्म है? तो 24 होना चाहिए, 24वां होना चाहिए, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। ध्यान से देखिएगा, टॉपिक में हमने केवल इधर उधर की बातें नहीं, केवल सिंपल बातें को बात किया है। उसके बाद एक प्रश्न तो ये बार बार पूछता था, हालांकि ये आजकल ओल्ड टाइप पे हो गया है, लेकिन शुरू में बहुत होता था कि भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, 21 मार्च 2050 को, और ये फर्स्ट थे। लेकिन इस प्रश्न को आजकल दूसरे रूप से पूछा जा सकता है कि भारत में इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कब से शुरू की गई है? तो ये डेट याद रखिएगा, 21 मार्च 2050 से इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की बात होगी तो इसको भी बात कर ले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में कब से नियुक्त हो रहे हैं, आगे प्रश्न लेंगे। हालांकि ये 1989 से शुरू हुआ है, यानी प्रेजेंट अगर सिनेरियो में देखें तो भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होते हैं। तो ये भी एक प्रश्न देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ दिया जाए। अगले प्रश्न में चलेंगे, हु इज अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये आप जानते हैं, भारत के सरकार के द्वारा मनोनयन के बाद कौन इसको सेलेक्ट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगले प्रश्न में चलेंगे तो अगला प्रश्न हमारे आएगा कि अगर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर सकते हैं तो रिम्यूव कौन कर सकते हैं? तो रिम्यूव भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि 2/3 मेजोरिटी से बोथ हाउस इनके खिलाफ रिमूवल का वोट पास करें, यानी कह सकते हैं कि इनके लिए अगर वो रिमूव करना है तो ये आपको रिजोल्यूशन संसद से लाना पड़ेगा और इसकी मेजोरिटी के साथ 2/3 के साथ पास कराना पड़ेगा। किसमें? लोअर हाउस राज्यसभा, लोकसभा, और अपर हाउस राज्यसभा, दोनों में बात करना पड़ेगा, यानी दोनों में पास करना पड़ेगा। लेकिन किस ग्राउंड पे किया जा सकता है उसका भी कंडीशन है। दो ही ग्राउंड है, दो ग्राउंड कौन कौन से हैं? एक तो इनकैपेबिलिटी, अक्षमता, और दूसरा मिसबिहेवियर, यानी दोनों के कंडीशन में ही ये कंडीशन में इनको रिजाइन या रिमूव किया जा सकता है। चलिए अगले बात करते हैं, अगला, और अपने से छोड़ दे तो कोई बात ही नहीं है, वो तो एक ऑप्शन हमेशा रहता है। फिर कह रहा है कि विच आर्टिकल रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो देखिए, 324 भारत के संविधान में आर्टिकल 324 है जिसके द्वारा होता है। हालांकि इलेक्शन से कमीशन या राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल 324 से 329 तक ये सारा जुड़ा हुआ है, और एक स्पेशल 29A भी जोड़ा गया है ये आर्टिकल में। तो ये सारा राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट पूछे तो 324 के नाम से हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन के लिए। अगला हमारे पास आता है, हु इज इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड स्टार्ट, यानी हमने अभी जो बात किया था कि भारत में एक चीफ इलेक्शन कमीशन और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनमें से एक आज अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनके बारे में क्या, कब से ये शुरू हुआ था? तो ये 1989 में शुरू हुआ था, ये डेट एक बार याद रखेंगे उस समय। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा एक ही है कि सैलरी ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशनर कितना होता है अपॉइंटमेंट होने के बाद? तो 2.5 लाख है, और 2.5 लाख आपका कह सकते हैं, कई बार पूछ जाता है कि किसके इक्विवेलेंट होता है, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होता है इनकी सैलरी, CGI। तो ये भी एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसको भी देख लेंगे। अगले प्रश्न में एक ही है कि चीफ इलेक्शन कमीशनर का टेन्यूअर कितना होता है, कितने साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं? तो लास्ट ये प्रश्न है, तो 6 साल है, डायरेक्ट ये प्रश्न भी आता है। तो ये पूरे थे टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है इलेक्शन से। हालांकि इसके अलावा भी बन सकता है बहुत सारा ईवीएम से रिलेटेड और रिलेटेड, लेकिन हमने यहाँ नियुक्ति से ही रिलेटेड प्रश्न